सर नहीं, जो 2012 वाले विजुअल पे चलाई थी उस पर बिल्कुल, पहले नाम फिर रोल, पहले रोल नंबर फिर नाम, और फिर ये क्या कहते हैं मार्क्स शो करा रहा था 2019 में इस तरह आ रही थी। सर उस पर तो इन्फिनिट चल रही थी, लेकिन जब बाद में उसको सही किया तो फिर वो रहा तो सही रहा था, लेकिन मार्क्स के अरे की ड्रेस बता रहा था, मार्क्स नहीं शो करा रहा था। ये ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं आ रहा था। नहीं सर ऐसा करके कुछ नहीं आ रहा था। आपका कोड कहाँ पे है? सर ये मैं चैट में डालता हूँ, एक मिनट रुकिए। जी बेटा, ये कोड़ा क्या सर इसको इसमें रहने दे सर, उस पर हम फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर वो क्लास का टाइम निकल जाएगा, आप रहने दे भाई, सर। ये समझना जरूरी है। मैं मुझे पता है क्या करना है बेटा, सही है, डोंट वरी। अच्छा, ये इनफाइनाइट चलता है, सही है। यस सर 2019 वाले पे। कोड में कोई मसला है? हाँ बेटा, ये इनफाइनाइट नहीं चल रहा, ये ऐसे चलता है, सही, ठीक है ना? जी सर मतलब ये आउटपुट गलत दे रहा है, सही है ना? मतलब ये मार्क्स दे रहा है, और यहाँ पे ये अगर हम देख सकें तो ये रोल नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, 784। ये क्या हुआ? ठीक है ना? ये फिर हातिब है, 60 मार्क्स हैं, ये सामिक, और ये नुमान। मेरा ख्याल है नुमान के मार्क्स कहीं पर गायब हो गए। हम यहाँ पे अगर 89 उसके मार्क्स लिखते हैं और फिर इस कोड को चलाएं तो ठीक है ना? ये देखें मार्क्स कर कुछ इस तरह करके, कुछ सी आउट की जो स्टेटमेंट्स हैं, रोल नंबर नेम, और सिर्फ आखिर में मार्क्स आ रहे हैं, सही ना? इसका मतलब ये है कि वो पहले जब रोल मैंने नंबर कहा था लिखा, 5 थोड़ा है उसका, कॉन्स्ट का 50 रखा हुआ साइज क्या है? है, ये उन्हीं के ऊपर राइट कर रहा है, हाँ 50 जी, रहे थोड़ा बहुत एग्जैक्टली आप। ये देखे ना, ये रोल नंबर उठाता है और फिर उसके बाद नेम उठाता है और एंड में मार्क्स। तो इसका मतलब ये है कि, और यहाँ पे देखें ये क्या पड़ा हुआ है, ये उसका रोल नंबर पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, और ये नुमान का AN पड़ा हुआ है, सही है, और ये 89 इसके मार्क्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, एक चीज है असल में ना, ये जो साहब है ना, नुमान साहब, इन्होंने जो फाइल बनाई है ना, दो तरह के ना फाइल फॉर्मेट होते हैं, एक लिनक्स में चलता है और एक चलता है किसमें, विंडोज में।
जिसे कहते हैं कैरिज रिटर्न लाइन फी, ठीक हो गया, और एक है लाइन फी। ये दो फॉर्मेट है। अगर आप में से किसी ने कभी टाइपराइटर देखा है कोई, यस सर, वो मैकेनिकल, यस 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 द ब्यूटीफुल वन, तो ये देखिए सर, उसका कर्सर खुद लेके जाना पड़ता था पीछे। जी, ये 1902 की प्रॉब्लम है जिसपे हम फंसे थे। ये जो कह रहे, ये जो है, ये जो एक आपको ये नजर आ रहा है, आप इस पे टाइप करते 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 किधर पहुंचते हैं, आखिर पे पहुंचते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो कर्सर आगे गया हुआ है उसको पीछे लेके आते हैं, पीछे लाते हैं ना। यस सर। कैरेज रिटर्न, कि वो जो कर्सर आगे लिखते लिखते आगे चला गया हुआ है उसको वापस शुरू में लाए, जी मैनुअली आगे लाए। बिल्कुल। कभी किसी ने टाइपराइटर किसी को करते हुए देखा है, टाइपराइटिंग कभी किसी ने? यस सर, मैंने खुद की हुई है। यस सर, देखा है, मैंने देखा है सर, मूवीज वगैरह में, रियल में भी मैंने देखा है सर। सर दुकानों में बैठे थे सर, मामू पास है सर, अदालत के अंदर देखा है। उसको जो पीछे करते हैं ना, इसे कहते हैं कैरेज को रिटर्न करना, ठीक है, सही है। और जब उसे घुमा के अगली लाइन पे लेके आते हैं, इसे कहते हैं लाइन फीड। कैरिज रिटर्न कर दूं सिर्फ, तो वो उसी लाइन के शुरू में आ जाएगा ना, जब तक मैं उसको रोटेट करके निचली लाइन पे नहीं लेके आऊंगा। मतलब ये जो यहाँ से ये जो गोल सा बना हुआ है, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो वो नई लाइन पे आ जाएगा, और ये जो कर्सर गया हुआ है, कर्सर को पीछे मारूंगा, तो ये इसे कहते हैं कैरिज रिटर्न लाइन फीड। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? जो रियल में चीजें हैं उसी को कंप्यूटर में क्या किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, अब दो तरह क्या करता है, लाइन के एंड में कैरेज रिटर्न भी रखवाता है और क्या करता है, न्यू लाइन भी रखवाता है। एक जो दूसरा फॉर्मेट है लाइन फीड वाला, उसमें सिर्फ क्या होता है, बैक स्लैश एन होता है और कैरेज रिटर्न मतलब इंट्रिंसिक होता है, मतलब वो बिल्ट इन होता है, वो इम्प्लाइड होता है। बात समझ आ रही है? सही, यानी आप कहने चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता रहता है। हाँ जी, मैं अब आपको बताता हूँ, ये देखिए, यही फाइल है ना? यस सर। ये देखिए, ये आपका ये रिटर्न है, ये फॉर्मेट है ना, ये जो न्यू फाइल है इसका फॉर्मेट क्या है, अहमद दिस, यही फॉर्मेट है ना, पहले रोल नंबर है, फिर नाम है, फिर ये सेम फॉर्मेट, बोथ ऑफ दीज फाइल्स हैव सेम फॉर्मेट, ऐसे ही है ना, ऐसे ही ना। अब मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता हूं, इस फाइल का दूसरी फाइल कर देता हूं और मैं इसे चलाता हूं। कोई नजर आ रहा है आपको? टू फाइव जीरो अहमद एटी फाइव। ठीक, बिल्कुल ठीक चल रहा ना, कोई कोर्ट में कोई मसला तो नहीं है? नो सर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये फाइल्स जो मोहतरम नुमान साहब ने बनाई है, उस फाइल का फॉर्मेट मुख्तलिफ है इस फाइल से, मतलब आउटपुट डॉट टी एक्स टी का फॉर्मेट और न्यू डॉट टी एक्स टी का फॉर्मेट मुख्तलिफ है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको ये बताया था ना कि फाइल के अंदर हिडन कैरेक्टर्स भी तो होते हैं। ये है कि ये जो लिखा हुआ है, एक जो लिखा हुआ है वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट ये है, अगर साहिबाने इनको वो ये है,
ठीक है, और जो ये फाइल है, ये फॉर्मेट जो है वो ये फॉर्मेट, ये वाला जो फाइल का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है ये, समझ आ रही है बात यार? Yes, sir. स्लैश आर क्या करता है, कर्सर को लाइन के शुरू में ले जाता है दोबारा, ठीक है, क्योंकि देखो जब वो इसे उठाता है, जब वो इसे उठाता है तो वो आर भी तो उठाता है, ठीक है, जब वो उठाता है वो आर भी उठाता है, जब वो उठाता है वो आर भी उठाता है। अब होता ये है कि सबसे पहले वो क्या लिखता है, वो ऐसे करके क्या लिखता है, सबसे पहले वो क्या करता है, वो लिखता है ऐसे करके, वो लिखता है रोल नंबर इक्वल्स टू 2500, वो ये लिखता है। अब इसके आगे क्या पड़ा होता है, बैकस्लैश आर, ठीक है, ये बैकस्लैश आर क्या करता है, दोबारा ले जाता है इसको शुरू में, और अब वो यहां पे क्या लिखता है, वो इस आर के ऊपर लिखता है एन, इस ओ के ऊपर लिखता है ए, ए के ऊपर लिखता है एम, इसके ऊपर लिखता है ई, बात समझ आ रही है, और फिर उसके बाद यहां पे वो क्या लिखता है equals, और यहां पे लिखता है ए, यहां पे लिखता है एच, यहां पे लिखता है एम, और यहां पे लिखता है ई, और यहां पे लिखता है डी, ठीक हो गया। अगली दफा क्या करता है, फिर इस अहमद के आखिर में दोबारा आर पड़ा हुआ है, फिर वो चला जाता है शुरू में, फिर इसकी जगह लिखता है एम, फिर इसकी जगह लिखता है ए, फिर इसकी जगह लिखता है आर, फिर इसकी जगह लिखता है के, और फिर एस, फिर इसकी जगह लिखता है ये, और फिर आप देखें कि आपको इस तरह नजर आता है ना, वो 85 ED करके इस तरह करके ऐसे नजर आ रहा है ना, तो ये कुछ इसमें बन रहा है चक्कर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जब मैंने ये किया ना, वो एग्जैक्टली वही आउटपुट देता है न्यू के ऊपर भी जो आउटपुट देता है किस पे, जो आउटपुट देता है आउटपुट के ऊपर, आउटपुट डॉट टीएक्सटी पे देता है। एक बार तो, सर, ये समझ नहीं आई सर। हाँ यार, ये असल में ना कैरेज रिटर्न लाइन फीड और एक लाइन फीड दो तरह के फॉर्मेट है, ठीक है ना, एक चलता है कैरेज रिटर्न और लाइन फीड, दोनों हिडन कैरेक्टर्स फाइल के एंड पे, लाइन के एंड पे कैसे सेट करेंगे कैरेज रिटर्न और लाइन फील्ड को? जी बेटा, किसे हम कैसे फाइल में सेट करेंगे इसको, कैरेज रिटर्न और लाइन फील्ड को? ये जब आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं ना, आपको तब पता होना चाहिए कि कौन से फाइल फॉर्मेट में ये फाइल क्रिएट हो रही है। इस भाई ने जब फाइल क्रिएट किया ना, तो किसी अच्छे एडिटर पे किया है, उसने इससे पूछा है कि किस फॉर्मेट में क्रिएट करनी है, वहां पे इस शहजादे ने ना CRLF जो कैरेज रिटर्न लाइन फीड वाला फॉर्मेट है ना, उसे सेलेक्ट किया, सही है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो पुराना है क्या कहते हैं वीडियो स्टूडियो, वो उस फॉर्मेट को उस फॉर्मेट पे चल रहा है, उसे एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जब 2019 में आता है वो फॉर्मेट जो है ना, वो उसे डिफरेंट ट्रीट करते हुए उसे डिफरेंट चला रहा है, ठीक है ना, इस वजह से ये क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि वो जो डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा में वो इस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, कैरेज रिटर्न लाइन फीड के फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, और अगर आपने, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम डेटा है जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है ना, वही स्टाइल में क्रिएट किया है और वही कोड है, सही है ना, तो ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मेट या तो अपने व्यू स्टूडियो में जाके इसके फॉर्मेट को चेंज करें, या अपने टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट को चेंज करें, अपने डेटा के फॉर्मेट को चेंज करें, फिर ये प्रॉब्लम ठीक होगा। बात समझ आ गई सारों को यार? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यार हम ना एक और आज छोटा सा काम करते हैं,
यार अभी फाइलिंग में कोई किसी तरह का कोई इशू हो, किसी फाइल ओपन करने में, फाइल रीड करने में, मल्टीपल फाइल रीड करने में, मल्टीपल फाइल्स राइट करने में, एंड ऑफ फाइल तक रीड करने में, ये सब किसी में कोई मसला है किसी को? सर मुझे है। सर मल्टीपल फाइल्स में, मल्टीपल फाइल्स में, मल्टीपल फाइल रीड करने का तरीका ये है कि अगर आप मल्टीपल फाइल रीड कर रहे हैं तो एक ही फाइल, अलग अलग फाइल रीड कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, ठीक है? हम करें फिर यार इसे? यस सर, यस सर, यस सर। फाइल रीड करनी है, सिंगल फाइल बनानी है, आगे उसके अंदर डाटा स्टोर करना, वो आगे मल्टीपल फाइल्स जो होती हैं वो जरा उसके अंदर। एक बार जो मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ ले, ये फाइल है, इसमें डाटा पड़ा हुआ है बहुत सारा, ठीक है, ये मैंने रीड करना है, क्या करना है, सिर्फ रीड करना है। तो एक ही फाइल को मल्टीपल से रीड किया जा सकता, बात समझ आ रही है? एट अ टाइम, एट द सेम टाइम इसे रीड किया जा सकता है, बात समझ आ रही है? लेकिन प्रॉब्लम इज इफ यू वॉन्ट टू राइट, इफ मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल ऑफ स्ट्रीम वेरिएबल्स, वन टू जितने भी, या मल्टीपल प्रोग्राम्स, ये दोनों अगर एक ही फाइल, देखो फाइल तो एक शेयर्ड है ना, ये जो फाइल पड़ी हुई है ये तो शेयर्ड है, इसको जो मर्जी रीड करे, जो मर्जी राइट करे, ऐसे ही है ना? इस फाइल में कोई भी प्रोग्राम इसे रीड राइट कर सकता है ना, लेकिन एट अ टाइम इफ यू आर राइटिंग ऑन अ फाइल, ठीक है ना, अनलेस और अंटिल वन प्रोसेस फिनिशेस इट्स राइटिंग, दूसरा प्रोसेस क्या नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता, दूसरा कंस्ट्रक्ट राइट नहीं कर सकता। ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर। सो यू हैव टू फिनिश द राइटिंग ऑफ फर्स्ट एंड क्लोज द फाइल, इट मींस द F2 व्हिच इज राइटिंग ऑन दिस फाइल इज फिनिश इट्स राइटिंग, क्लियर यार? भाई ये क्लियर है ना? नहीं सर, सर समझ नहीं आई सर, एक बार फिर बता दे सर। परफॉर्म करके दिखा देंगे दफा। यार परफॉर्म करके दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट तो समझ लो, इसके बाद परफॉर्म ही करके दिखाऊंगा भाई। सर आपको कहने का मतलब है सर, जब तक सर आप सर हम तो क्लोज नहीं करेंगे सर, दूसरा फाइल नहीं चलेगा सर, यही कह रहे, कह रहे हैं कि जब तक अगर हमने अगर मल्टीपल फाइल्स बनानी है उसके लिए जो एक फाइल के अंदर हमने कुछ राइट करना है या रीड करना है उसके लिए हमें उसको क्लोज करना पड़ेगा, ओपन के बाद फ्रंट क्लोज करना का, फिर अगली फाइल हमें करनी पड़ेगी ऊपर। खुदा का खौफ करो, देखो रीड करने का मतलब यह है कि फाइल से डाटा मैंने उठा के किधर ले आना है, किसी वेरिएबल में, किसी अरे में उठा के ले आना, यही मतलब है ना रीड करने का मतलब, ठीक है ना? वन ऑफ द ऑफ स्ट्रीम वेरिएबल, ठीक है? सही तरीका तो ये है कि जब एक ऑपरेटर या इफ स्ट्रीम का वेरिएबल फाइल को रीड कर रहा है तो वो रीड कर ले और उस फाइल को क्लोज कर दे। क्लोज क्या कहता है? क्लोज ही करता है, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल बनाया, इस स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया, ठीक है ना, ठीक है ना, इससे मैंने क्या किया, ओपन किया फाइल को, कोई भी फाइल थी, कौन सी, read.txt। अब क्या हुआ, दिस ओपन विल गिव द एड्रेस और पॉइंटर टू दिस। अब fn में क्या पड़ा हुआ है, इस read.txt का क्या पढ़ा, इनिशियल एड्रेस, फाइल नेम,
फाइल पढ़ी, ठीक है। तो अब एफ इन से मैं जो भी करूंगा, फॉर एग्जांपल जो भी वेरिएबल में जो भी रीड करूंगा वो क्या करेगा, इस फाइल से उठा के इस वेरिएबल में रखवा देगा। ऐसे ही है ना, ये एक लिंक एस्टेब्लिश हो गया एफ इन का read.txt के साथ ओपन के साथ। बात समझ आ रही है? Yes, sir. इसके साथ एक और चीज होती है, वो क्या है? वो ये है कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेरा फाइल सिस्टम है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी अपने पास एक रिकॉर्ड रखती है कि ये वाली फाइल read.txt फाइल फलाने प्रोसेस ने, फलाने प्रोग्राम ने, फलाने प्रोग्राम के फलाने वेरिएबल ने क्या की हुई है, ओपन की हुई है। बात समझ आ गई? यस सर। अगर अब रीड करना है तो एक फाइल में से रीड तो जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी प्रोसेस रीड करे, रीड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है? बट अगर आपने राइट करना है तो क्या एक से ज्यादा ऑफ स्ट्रीम का वेरिएबल या प्रोसेस राइट कर सकता है? एट अ टाइम एक वक्त में, एट अ टाइम ओनली वन राइट is, ये बात समझ आती है? नहीं भाई, भाई मैं अभी सिर्फ राइट की बात कर रहा हूं, मैंने अपनी रीडिंग की बात फिनिश की है, अब मैं राइट की बात कर रहा हूं। क्या एक वक्त में एक से ज्यादा राइटिंग हो सकती है? एक से ज्यादा वेरिएबल या एक से ज्यादा प्रोसेस राइट कर सकते हैं किसी फाइल पे? यस सर। नहीं भाई, एक वक्त में दो लोग एक ही सफे पे, दो लोग एक वक्त में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? गलतियां नहीं होंगी? लिखा नहीं जाएगा सर। आप इसे हाइपोथेटिकली कंप्यूटर के उसमें सोचें, ये एक फाइल है, इसी का एड्रेस यही इधर आप राइट कर रहे हैं, आपको क्या पता आप कहाँ राइट कर रहे हैं? वो ओवरराइट, ठीक है, ये भी। हाँ जी, आपके पास डाटा क्या आएगा, ओवरराइट होएगा, कहीं पे उसका लिखा होगा, कहीं पे आपका लिखा होगा, और वो मिला के क्या बनेगी एक फाइल, वो एक गार्बेज बन जाएगा। उसमें ना डाटा तुम्हारा होगा पूरा, ना मेरा होगा, कुछ करेक्टर्स तुम्हारे होंगे, कुछ मेरे होंगे, कुछ किसी के होंगे, जो पहले लिखेगा उसका ओवरराइट हो जाएगा दूसरे लिखे हुए से। ये बात समझ आ रही? यस सर। यस सर। इस वजह से राइटिंग के राइटिंग के वक्त दो, जब तक मैं फाइल एक राइटिंग, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा था, एफ आउट वन, अगर एफ आउट वन ने कोई फाइल ओपन की है तो जब तक ये एफ आउट उसे क्लोज नहीं करता, एफ ओ टू राइट नहीं करेगा, नहीं करने देना, नहीं करे करने का, नहीं अलाउ होगा करना उसे। ये बात समझ आती है आपको? जी सर। अच्छा, अगर ये बात समझ आ गई है तो आए फिर हम आपको ये करके दिखा दें जिसकी ख्वाहिश है आपको, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक फाइल है, इस पे हमने क्या किया, आउट स्ट्रीम पे पता नहीं अभी जरूरत है कि नहीं, हमारे पास क्या है सर, सर और ऑफ स्ट्रीम का एक बार सर इनमें फर्क बता दे सर, इन दोनों में क्या फर्क है सर, इसमें इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम में सर? यार तुम घर जाके क्लास के बाद तुम खोलते हो कोई लेक्चर या कोई नोट्स, उसे खोलते हो क्लास के बाद तुम? यस सर। हाँ, अभी जरा अपना पिछला कोई नोट या लेक्चर निकालो, उसमें जरा देखो क्या लिखा हुआ मैंने फर्क, जरा मुझे बताओ तुमने क्या लिखा है।
फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने सही लिखा है या गलत लिखा है। ये देखें जनाब, ये मैंने दो फाइल्स बना ली है, सही है, और दोनों फाइल्स में मैंने क्या किया है, दोनों फाइल्स में राइट करवाया है। तो एक फाइल में ये राइट हो जाएगा और एक फाइल में, दोनों फाइल्स में क्या पढ़ा होगा जी भाई? हेलो वर्ल्ड। दोनों फाइल्स में ये पढ़ा होगा, ठीक हो गया? यस सर। यस सर। तो इसे हम चला के देखते हैं तो दोनों फाइल्स में क्या पड़ा होगा। तो मल्टीपल फाइल्स पे एट अ टाइम राइट हो सकता है, ठीक है सर? आई फाउंड दोस्त का रिटर्न अलावा जी सर, कल इसका टास्क भी आया था हमें लैब में करने वाला। क्या? ठीक है, ये TX आउटपुट 1 क्रिएट होगी, ये आउटपुट 2 क्रिएट होगी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको अपॉइंट मोड में ओपन करता और फाइल में दोबारा एक फाइल आ गया। सही है, iOS क्या है सर ये जरा बता दें। ये भी मैं सैकड़ों दफा बता चुका हूँ, ये भी मोड सेलेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि अगर मैं अपेंड मोड में फाइल को ओपन नहीं करता, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, आउटपुट 1 और आउटपुट 2 txt दोनों में हेलो वर्ल्ड पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ, तो क्या होगा, जो पुराना डेटा है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसे दोबारा चलाया, फाइल क्रिएट नहीं होगी, नहीं, क्योंकि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। और मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो देखें ये फाइल में क्या हुआ, पुराना डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि पुराना डेटा एग्जिस्ट करे, पुराना डेटा रहे और नया डेटा अपेंड हो जाए, तो बेसिकली फाइल का यह मोड बताना पड़ेगा कि इस फाइल को अपेंड मोड में ओपन करें। These are the file modes. आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करें और ओके सर, iOS अपेंड, ठीक हो गया। इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे मोड होते हैं। अगर मैं ये अब चलाऊंगा तो अब पुराना डेटा डिलीट नहीं हुआ होगा, ये उसके आगे पड़ा होगा। ठीक है, ये देखें, हेलो वर्ल्ड भी पड़ा हुआ, ये देखें, सही है, और ये पिछला डेटा भी पड़ा हुआ है, सही है, ये बात क्लियर है आप लोगों को? सर देखिए सर, जैसे हम ऑफ स्ट्रीम से बेसिकली मतलब डिस्प्ले करा रहे हैं आउटपुट, तो अगर हमें यूजर से इनपुट लेनी हो फिर भी हम ऑफ स्ट्रीम F41 और F42 का लिखेंगे। आप चाह रहे हैं कि यार मतलब हमें 2 हफ्ते हो गए हैं पढ़ते हुए और अभी तक जो है ना, मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है, इस नंबर को मैं राइट करवाना चाह रहा हूं, तो इस नंबर को कैसे राइट करवाया जाएगा, जिस तरह स्क्रीन पे आप आउटपुट शो करते हैं, क्या करते हैं, एफ आउट और नम करेंगे तो ये स्क्रीन पे चला जाता है ना, इसी तरह जब आप आउटपुट नम करेंगे तो ये वाला वेरिएबल किधर चला जाएगा, ये वाला वेरिएबल एक इस फाइल, ये एफ आउट जिस फाइल से लिंक्ड है, जिस फाइल से इनिशियलाइज हुआ है उस फाइल में ये नम चला जाएगा, और जिस फाइल में ये पड़ा हुआ है उसमें क्या चला जाएगा, समझ आ रही है भाई? ठीक है सर, ठीक हो गया। अब मैं चलाऊंगा, बेसिकली अपेंड मोड में खुला हुआ है, अब उस फाइल के अंदर नीचे नंबर भी पड़ा होगा, ये देखिए इस फाइल में भी यही नंबर पड़ा हुआ। तो मल्टीपल फाइल्स पे ऑपरेशन किया जा सकता है पैरेलल में एक साथ, कोई जरूरत नहीं है क्लोज करने की या कुछ करने की। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास यही एक फाइल है,
एक ही फाइल है output.txt और इसमें ये नंबर में रखवाना चाहता हूँ 1000 111 ठीक हो गया। तो अब इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स एक फाइल पे ऑपरेशन करने हैं, मतलब मैंने मैंने पहले वेरिएबल रखवाया, फिर मैंने कैरेक्टर रखवाया, फिर मैंने कुछ और रखवा दिया, समझ आ रही है? यस सर। ये आपने टीम मीटिंग पे वो रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाई जी भाई? रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है, ध्यान से सुनो। कर ले सर यो। तो तुमने की हुई है बस, ठीक है बच्चों को शेयर कर देना यहाँ पे, सही है? मैं तो तुम कैसे कर रहे हो डाउनलोड रिकॉर्ड? अच्छा अच्छा तो आप, मैं फिर किसी एक को अलाउ कर देता हूँ रिकॉर्ड कर ले, तुम क्या करोगे उसे चैनल पर डाल दोगे? यूट्यूब इसके अंदर नहीं आती, पैसा ही पैसा होगा सर, इस पे आती है लेकिन 20 दिन के बाद गायब हो जाती है। ये मुझे, मैं देखता हूँ उसे किस तरह करते हैं, तो मैं किसी एक को अलाउ कर देता हूँ कि वो रिकॉर्ड कर सके, सही है? डाउनलोड तो यार कर सकते हो, ऐसे कैसे हो सकता है डाउनलोड हो सकती है सर, लेकिन ना डाउनलोड करनी हो ना अपने मतलब कंप्यूटर में लाने के लिए, मोबाइल में लाने के लिए, तो फिर वो हमारे पास ऑप्शन नहीं आता। चले यार उसे देख लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं कि क्यों नहीं आती, ठीक हो गया। तो यार अभी अब अगर आपने एक ही फाइल पे एक ही फाइल मल्टीपल, देखें ये आउटपुट डॉट टीएक्सटी है, ये वन है, ये भी वन ही है। अब एक ही फाइल ओपन कर रहे हैं दो डिफरेंट ऑपरेटर, दो डिफरेंट वेरिएबल्स, बात समझ आ रही है? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं एफ आउट वन डॉट इज ओपन, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर मैं ये चेक करूं सर जी, ये शुरू में हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है, ये किस लिए डाला है? यार यार कमाल हो, ये तो यार तुम घर जाके बिल्कुल ही नहीं पढ़ते यार, बिल्कुल ही नहीं। अब बेटा वो ही है ना, मन ऐसे ही है ना, ये बेसिकली इसमें से मिसिंग है ना, ये ऐसे ही है, सही है ना, ये ऐसे है, इज ओपन का बेसिकली ये कॉल है ना, तो कॉल ऐसे ही है, ठीक है। तो यार अब मैं इसे जरा चलाने की कोशिश करता हूँ, एक ही फाइल में दो डिफरेंट जो है ना वो राइट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सही? क्या राइट करवाने की कोशिश कर रहे हैं? नंबर नंबर, और नंबर क्या है? नंबर है 888, ठीक है।
पहले उसने रखवाया फिर इसने रखवा दिया, ठीक है? ये बात समझ आई है यार? यस सर आ गई। यस सर। यस सर। ये क्या हुआ, ये सही राइट हुआ? सर इसने दो दफा राइट कर लिया। नहीं, एंडल दो दफा कर दिया उसने, पहले नंबर राइट करवाया और एंडल नहीं यूज किया, तो आप ये देख रहे हैं कि कोई डेटा में कोई सर आपने नंबर प्रिंट करवाने से पहले एंडल लगाया ना, तो वो दो दफा प्रिंट कर रहा, तो एंडल वहां पे उसने ले लिया। नहीं, एंडल उसे क्या प्रिंट करना चाहिए, उसे यहाँ पे एंडल प्रिंट करना चाहिए और ये प्रिंट कर देना चाहिए नंबर, फिर उसको हैंडल प्रिंट करना चाहिए, फिर प्रिंट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा। जी व्हाट इफ कि मैं क्या करूं, मैं पहले ये राइट करूं, पहले एक फाइल का ऑपरेशन करूं, ठीक है? यहाँ पे क्या करूं, क्लोज करूं, और यहां पे क्या करूं, इस फाइल को यहां पे ओपन करूं, ठीक है? और अब मैं यही इस डेटा को क्या करता हूं, यहां से हटा देता हूं, और अब मैं ये दोबारा चलाऊं, अब क्या होगा, एफ आउट वन, यहां से मैंने हटा दिया और अब मैं इसे चलाता हूं। अब ठीक है, जी सर ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक है। लेकिन यार मतलब आपको ये समझ आ रही है कि मतलब अगर फाइल को की ऑपरेशंस है ना, वो कुछ कुछ खराब हो जाते हैं, अगर आप प्रॉपरली फाइल को क्लोज करने के बाद उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप जिस तरह रिक्वायर्ड है उसी तरह दे रहा आउटपुट, और अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहा है, वो आपको एक साथ ही दे रहा था, अब कुछ उसने कुछ कुछ गलत कर दिया, ऐसे ही है ना सर? अभी भी गलती नहीं हुई, हमने तो फाइल क्लोज कर दी थी, तो कर्सर फिर ऊपर चला जाना चाहिए था और ऊपर जाके 888 लिखा होना चाहिए था ना? नहीं नहीं बेटा, ये अपेंड में कर रहे हैं ना, तो पहली दफा जब उसने फाइल क्रिएट की तो अगली ये डेटा उसमें पड़ा था, यहां तक क्लोज हुई, अगली दफा कर्सर यहां पे आया, उसने पहले हैंडल प्रिंट किया फिर ये प्रिंट किया। यस सर, वो अपेंड का तो पता है ना कि वो रिमूव नहीं करता, पर क्लोज में ये नहीं होता था कि वो कर्सर दोबारा अपने रीसेट वैल्यू वो स्टार्ट में चला जाता था टॉप लेफ्ट। उसने क्लोज कर दिया ना एफ1 को, लेकिन जब इसने ओपन किया एफ2 ने, तो उसने अपेंड में किया, वो उसको मारा गया। थैंक यू सर, ठीक हो गया। तो मल्टीपल फाइल्स पे रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, बस आप प्रॉपरली क्या करें उसको, लेकिन आउट आप रीड करने में ऐसा इशू नहीं होगा, सही है? रीडिंग में प्रॉब्लम इस तरह नहीं आती, इसको एक बार रन करिएगा सर। क्या करें, क्या भाई सर, ये तो आपने एक ही फाइल के अंदर किया है ना स्टोर, तो सर हम दो फाइल्स नहीं यूज करते हैं फिर, जिस तरह आपने आगे किया था। इससे पहले दो फाइल्स में करके दिखाया था आपको। अगर भाई अगर फाइल्स दो है ना, फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो टारगेट ही मुख्तलिफ है ना, आप जो मर्जी करें इस फाइल में, जो मर्जी करें इस फाइल में, जो मर्जी करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप एक ही फाइल में दो ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो आप पहले वाले को क्लोज करें फिर दूसरा करें, और अगर आपने दोबारा वापस जाना है तो फिर इसे दोबारा ओपन करें और फिर करें। बात समझ आ रही है, आप इसका ख्याल रखें। जी सर, ओके।
हाँ जी कुछ समझ आ रहा है यार, या बस ऐसे ही ऊपर से जा रहा है? आ रही है। तो आप मल्टीपल फाइल से रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बस आपको ये जहन में रखना होगा कि यार इस वक्त में एक वक्त में ये फाइल एक ने भी ओपन की हुई है, दूसरे ने भी ओपन की हुई है, तो अगर दोनों पे राइट के ऑपरेशंस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। आप बेहतर ये है कि पहले क्लोज करें एक को, फिर उसको पूरा करें, फिर दूसरे का करें, ठीक है। अदरवाइज राइटिंग के वक्त मसला आएगा, लेकिन अगर आपने रीड करना है तो कोई इशू नहीं है, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फाइल है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें ये डाटा पड़ा हुआ है ऐसे करके 8884444, ये डाटा पड़ा हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इफ स्ट्रीम के दो वेरिएबल बना लिए, सही है यार। ये असल में मैं आपको ना थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में चीजें बता रहा हूँ, असल में बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करेंगी चीजें, क्योंकि ये बाहर बात की चीजें, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। ये देखिए दोनों को ओपन कर लिया है मैंने, दोनों को ओपन किया, एक ही फाइल को ओपन किया दोनों ने, सही है ना सर। वो एफ यार दोबारा ही नहीं, नहीं कुछ भी नहीं होगा भाई, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, सही है, मैंने रीड किया है। देखिए क्या रीड करना चाह रहा हूँ भाई, FN, मैं नंबर में रीड करना चाह रहा हूँ, नम रीड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और FN 1 और 2 में और 1 में ये नम, इसे नम 2 कर लेते हैं, इसे नम 1 कर लेते हैं, तो और यहाँ से नम 1 नम 2 और कोई इनिशियलाइज नहीं करवाया मैंने, ठीक है। तो दोनों बेसिकली क्या शो करेंगे, दोनों को क्या देना चाहिए, पहला नंबर क्या है, 5 5 5, सही है, ऐसे ही है ना यार। सर वो अबाउट 1 लिखा है, 3 1 नहीं आएगा जी भाई, वो 10 लाइन पे क्या नहीं आएगा, एफ इन दोबारा 10 नंबर लाइन पे एफ इन डॉट ओपन, सही कह रहे हैं सर। लाइन नंबर 19 पे कॉलन नहीं लगा हुआ, इट इज रीडिंग इनपुट फाइल से लेके, किधर लेके आ रहा हूँ, नम 1 में लेके आ रहा हूँ और नम 2, सही हो गया, इसने भी सही रीड किया, नम 1 में भी सही रीड हुआ, नम 2 में भी सही रीड हुआ, दोनों में क्या रीड करना चाहिए था, बात समझ आ रही है? तो ये है भाई मल्टीपल फाइल से रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, और कोई मसला नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इफ आई एम राइटिंग, इफ मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रीम वेरिएबल्स आर राइटिंग ऑन द सेम फाइल, तो ये प्रॉब्लम डेटा डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, लेकिन रीडिंग के वक्त ऐसा इशू नहीं आएगा। ऐसा इशू क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि
एक ही चीज से 10 लोग भी अगर रीड कर रहे हैं तो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनलेस और अनटिल कोई अपडेट ना कर रहा हो, कोई उसे अपडेट कर रहा होगा फिर ही इशू आएगा, ठीक है ना। मतलब एट अ टाइम ये मेरे पास एक फाइल है और इसे 2-3 प्रोसेस एक साथ में अपडेट करना शुरू कर देते हैं तो जाहिर है वो ओवरराइट हो जाएगा, कुछ चीजें पहले की ओवरराइट हो जाएंगी, कुछ चीजें दूसरे की ओवरराइट हो जाएंगी, तो कलेक्टिवली जो चीज मुझे मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट में मुझे मिलेगा वो क्या होगा, तो गार्बेज होगा ना एक किस्म का। ठीक है यार। अच्छा यार अब एक काम करते हैं, हमने लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम लिखा था ऐसे करके, हमने कहा था कि भाई हमारे पास फाइल में डेटा पड़ा हुआ है किस तरह करके, डेटा पड़ा हुआ है इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, इस तरह करके हमारे पास फाइल में डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास फाइल है और हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, हमने करना है क्या है, हमने इस फाइल में से क्या करना है, जाहिर है ये डेटा और भी हो सकता है, हमने फिर फिलहाल सिर्फ टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा डेटा लिख लिया, ये फाइल ऐसा कोई नाम है, हमने करना ही है कि हमने इस फाइल को रीड करना है और बताना है कि इसमें से ये जो फाइल है ये PF सेक्शन 6 ये तुम लोगों की पूरी फाइल है और इसमें क्या पड़ा हुआ है, तुम्हारे फाइनल सेमेस्टर का जो है ना CGPA पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने बताना है कि भाई इस क्लास का जो है बेसिकली कौन है, इस क्लास में टॉप किसने किया है, ठीक है ना, PF में किसने टॉप किया है, तो क्या करेंगे हम करेंगे क्या, टॉप किसने किया है और जिसने किया है, फॉर एग्जाम्पल टॉप कौन किसने किया है, इसमें टॉप किया है ये अली मुश्तबा ने, सही है, अली मुज्तबा को आपने निकाल के किधर रख देना, एक और फाइल में, सही है ना, निकालना नहीं है इस फाइल से, उसको दूसरी फाइल में भी रखवा देना, सही, वो एक और फाइल है जिसका नाम है topaz.txt, ठीक है, उस फाइल में ये जिसने टॉप किया उसका नाम रखवा देना, ठीक है, वो कौन है, वो अली मुज्तबा ही है, सही हो गया। यस सर। अब ये कोड है ये कैसे करेंगे इसको दिखाएं जल्दी से, ये स्टोर करवाएंगे ये डाटा सब करें जरा, तो फिर एक एक करके चेक करेगा कि नंबर मैक्सिमम है, एक एक करके मैं रोल नंबर नेम और GPA CGPA को रीड करूंगा, सही है, फिर उससे देखूंगा कि यार अगले का CGPA कहीं पिछले से कम तो नहीं है, इस तरह करके से कम तो नहीं है, अगर कम है तो वो स्टोर कर देगा उसको, अगर ज्यादा है तो उसमें स्टोर कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे पास वो जो नेम और रोल नंबर पड़े होंगे जाहिर है उनका भी मैंने स्टोर करवाया होगा, जब फाइल एंड ऑफ फाइल तक मैं रीड कर लूंगा तो जिसका मैक्सिमम होगा वो दूसरी फाइल में स्टोर हो जाएगा, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ भाई हातिब मियां तुम्हें समझ आ रही है कुछ? हातिब इज एब्सेंट। अरीब। यस सर। अरीब अरीज से पूछ लो सर, इधर नहीं हो, इधर नहीं हो तुम, किधर गई हो, छुपी हुई कहीं पे? नहीं सर पहले नहीं थी, अब आप बुला रहे थे इसलिए। क्या लेने गई थी? हाँ क्या कर फल पानी पीने गई। पानी पीने गई। ओह यस आई नो व्हाट अ कोइंसिडेंट। और भाई
और बाकी लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। हल्की सी, हल्की सी, हल्की सी, समझ हल्की सी होती है नहीं सर? हल्की सी मतलब यानी कि आ रही है? आ रही है जी सर, मुझे आ रही है समझ। कल काफी जलील हुई लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब आ गई है। हां यस सर जी सर। सर कल मैं रोई भी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी इसकी। नहीं वो कल तो किसी को समझ नहीं है, कल तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या मसला हो रहा है। सर हमारी लैब थी ना, कल हमारी लैब थी तो सर ने हमें मल्टीपल फाइल वगैरह इस तरह करके कुछ दिए थे टास्क, तो बड़े नहीं थे हो रहे, पहला ही हुआ था बस हमसे। यार वो तो कैरेक्टर्स थे, फाइल से रीडिंग करना ये हम पिछले दो हफ्ते से कर रहे हैं। मैं वो सादा सा मेरे कंपाइलर का मसला आ रहा था, उससे उसके अंदर फाइल्स क्रिएट नहीं हो रही थी, वो मुझे खुद बनानी पड़ रही थी, तो इस वजह से मेरा खाया था वो। फिर मैंने कंपाइलर डाउनलोड कर लिया 2019 का, तो अब मसला नहीं हो रहा। ओह जबरदस्त, ग्रेट। मल्टीपल फाइल यार, एक जब रीड करते हैं तो दो भी, हालांकि मैंने आपको जब शुरू की थी हमने सारी चीजें देखी थी, एक फाइल से कैसे रीड करते हैं, दो फाइल से कैसे रीड करते हैं, वो कुछ भी नहीं है, उसी तरह ही दूसरी फाइल से रीड करना जिस तरह पहली फाइल से रीड करते हैं। अभी तो यार, अभी तो हम सिर्फ सीधा सीधा सीख रहे हैं, अभी तो हमने कोई उस पर तो आया ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो आया ही नहीं। आज ही मैंने पहली चीज दी है, उसमें भी वो अब मैक्सिमम कैसे निकालते हैं ये आपको कोई नई चीज नहीं है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है कि भाई आपने मैक्सिमम टॉपर को कैसे कैलकुलेट करना है इस फाइल में से, आपने सीजीपीए देखते जाना है और उसको निकाल लेना है। हाँ जी भाई, कर रहे हैं सब के नहीं? मैं भी करूं यार तुम्हारे साथ साथ। जी सर आप भी कर लें, लेकिन तुम लोगों ने मेरा देखना नहीं, समझ आ रही तुम्हें? ओके सर, नहीं देखेंगे, कोशिश करेंगे सर। सर मैं देख रही हूँ, तो अपना ही करो ना, अपना ही नहीं कह रहे तुम? सर कह रही हूँ अपना भी साथ ही, मेरा अपना भी कर लो, चलो अपना भी करो, मेरा भी देख लो, कोई बात नहीं।
यार ये इस ओपन का आपको पता ना क्या करता है? इस ओपन फाइल ओपन करता है सर। क्या करता है? फाइल ओपन करता है सर। इस ओपन फाइल ओपन करता है। ये फाइल ओपन करता है सर, मतलब सर चेक करता है सर कि फाइल पूरा या नहीं सर। क्योंकि यार फाइल जरूरी नहीं है, अगर इसी तरह का कोई इशू है ना फाइल सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी, बहुत दफा आपको फाइल की एक्सेस अलाउ नहीं करती, उस केस में अगर आपने ये ना चेक लगाया हो तो आपको पता नहीं चलता कि यार फाइल ओपन हुई भी है कि नहीं। तो ये फ्लैग है, अगर फाइल ओपन हुई है, सक्सेसफुली ओपन हुई है, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देता है? ये वन रिटर्न कर देता है, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है ना, ट्रू कि फाइल ओपन हो गई है। और अगर फाइल रिटर्न नहीं हुई तो क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे नोट लगाया है, नोट का मतलब यह है कि अगर उसने फॉल्स रिटर्न किया है तो ये ट्रू हो जाएगा और मैं इस इफ में आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? एरर इन ओपनिंग फाइल, ठीक है। तो ये जिनसे रिजल्ट मैंने इसको नोट रोल नंबर ये नेम्स और ये जो सीजीपीए है ना इसको कॉपी करके जरा कर दें इधर सेंड टेक्स्ट में चैट पे। ठीक है ना यार, ये बात समझ नहीं। मैंने नोट इसलिए किया, असल में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे रख के यहाँ पे पूरा प्रोग्राम लिखता ना तो else बहुत नीचे चला जाना था। ये असल में अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप जो है ना इसको शुरू में ही जो एरर है ना उसको शुरू में कर दें और बाकी सारा प्रोग्राम नीचे लिख दें। इस वजह से मैंने यहाँ पे नोट किया, ठीक है ना। तो ये नोट का नोट की वजह से जब वो फॉल्स रिटर्न करेगा ना, जब रिटर्न करेगा फॉल्स, ये ओपन क्लोज नहीं होगी, फाइल ओपन नहीं हुई होगी और ये रिटर्न करेगा फॉल्स, तो ये नॉट इसे ट्रू बना देगा और ये सी आउट चल जाएगा, एरर इन ओपनिंग फाइल और एल्स नहीं चलेगा। बात ले रहा ना यार ये? यस सर। थैंक यू सर। हम लोग सिंपल कंडीशन भी तो लगा सकते हैं सर, इफ फाइल ओपन सर सी आउट कर दे और एल्स लगा दे सर। भाई ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ ये बताया कि देखो मैं जब अभी कोड करना शुरू करता हूँ ना तो तुम देखना कि इफ बहुत को इफ सारा कोड इफ के अंदर आ जाना था ना फिर, और एल्स बहुत आखिर में चला जाना था। तो मैंने सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि यार एरर वाला छोटा सा पार्ट है ये ऊपर आ जाए और बाकी सारा नीचे आ जाए, ताकि एल्स के अंदर ज्यादा कुछ ना हो, मतलब एंड में एल्स काफी नीचे जाके ना हो। इस वजह से मैंने सिर्फ ये प्रोग्रामिंग उसकी उस वजह से किया, उसी तरह भी कर सकते हैं। सर ये हमें लूप से नहीं लेना चाहिए था? वैसे लूप से करना चाहिए था, सॉरी। सही है सर, ये एंड ऑफ ये लिखा था ना एफ इन
डॉट एंड ऑफ लिखना था मेरी ना कुछ आज किस्मत खराब है ये ऐसा है काम कर यार तू यार ये जो है ना ये पूरी फाइल रीड करके ये जो इतना सा कोड है ये पूरी फाइल रीड करके सी आउट करवा देगा ठीक है ना अपना काम कर यार तू हाँ आएगा यार आएगा ठीक है ना भाई ये इग्नोर का पता क्यों लगाया मैंने ये सबको पता होगा ठीक है ना तो ये फाइल ये वाला जो सारा है कोड ये क्या करेगा इस फाइल को रीड करके डिस्प्ले करवा देगा सही है क्लियर है ना यार ये बात यस सर हमने करना ये है कि हमें नहीं पढ़नी थी तो ये जो ब्लू चलेगा वापस ऊपर नहीं जाना थैंक यू समझ आ गई अब लगेगा ना वरना गेटलाइन क्या करेगा चलेगा गेटलाइन क्योंकि मैंने इसका चेंज किया भाई एंडल पे नहीं चल रहा वो एंडलाइन चलेगा अब जरा चला के देख क्या चलेगा बस वो क्या करेगा वो एंडल भी रीड कर लेगा और वो भी रीड कर लेगा तो हर प्रिंट करवाने से पहले वो पहले एंडल प्रिंट करवाएगा फिर कोमे तक जाएगा चला के दिखाऊं उसे जरा चला के दिखाएं ये क्या है यहाँ पे चला लेते हैं सही और यहाँ पे बस वो वेरिएबल बनाने हैं ठीक हो गया ये तीन वेरिएबल बना लिए रिकॉर्ड और txt को ओपन किया एरर रिटर्न कर दिया एंड ऑफ फाइल तक चलाया कोमे तक चलाया cgpa तक चलाया और यहाँ पे क्या हो गया मुझे अभी स्क्रीन नहीं आ रही क्या बेटा क्या नहीं हुआ क्या हुआ नवाल बेटा क्या हुआ कहाँ रहती है जो तुम स्क्रीन में शो होती
यार ये पाइथन कर कर के ना कॉलम लगाने की आदत छूट गई है सर। एरर वाले सीओड के बाद भी आपने लगाया पाइथन जो है ना वो कुछ कोमा शोमा नहीं कॉलम शोलम नहीं लगवाती सर। ये गेटलाइन सर ये जो जितने भी एफ इन लगाए ना डॉट गेटलाइन उसके आगे दोनों में कॉलम नहीं लगे हुए यार। तुम लोगों ने कर लिया वो जो काम दिया वो तुम्हें देखो भाई क्या हो रहा है इसके ना यहाँ पे हम क्या करते हैं एक हैंडल प्रिंट करा देते हैं ताकि जरा प्रिटी आउट प्रिटी हो जाए। हाँ जी भाई एंड वाला ये इधर बड़ा ना एंडल अब नहीं आएगा ठीक हो गया। अभी इसने कहा था कि इग्नोर को छोड़े ये इग्नोर को मैंने हटा दिया अब क्या होगा हाँ अब क्या होना चाहिए सर वो एक रीड करेगा जीपीए तक उसके बाद वो ऊपर जाएगा तो वो स्पेस रीडिंग मतलब वो बगैर इग्नोर के साथ आउटपुट जो मैं शो कर रहा हूँ क्या फर्क आएगा इसमें चला के देखें चलो पहले देख लेते हैं ये क्या हुआ एक एक न्यू लाइन आ रही है ना समझ आ रही है क्या हुआ भाई यस सर ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो जब वापस ऊपर जाता है तो उसके उस वो न्यू लाइन को रीड करता है पहले वाले वो क्या वो ये रहा है कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे ये पड़ा हुआ है ठीक है जब ऊपर जाता हूँ मैं दोबारा गेट लाइन पे तो गेट लाइन कहाँ से रीड करना शुरू करता है यहाँ से और कहाँ तक रीड करना है इसने यहाँ तक है ना यस सर। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होता है न्यू लाइन तो देखो सबसे पहले क्या प्रिंट होता है न्यू लाइन फिर प्रिंट होता है ये सर पर दो दफा न्यू लाइन प्रिंट हो रही है एक दफा हो रही है बेटा एक यार एक दफा कोड में है आउटपुट में फर्क देखो यार समझ आ गई है ये न्यू लाइन जो आ रही है ये इस वजह से आ रही है मैंने आउटपुट के अंदर शो किया हुआ ठीक है। अब जब मैं इसे हटा देता हूँ अब ये जो न्यू लाइन आएगी ये आएगी वो जो उसने टेक्स्ट फाइल में से रीड किया हिडन करेक्टर न्यू लाइन का उस वजह से आएगी जो यहाँ पे पड़ा हुआ है लेकिन हमें नजर ये अब जो ये आउटपुट आ रही है उस वजह से आ रही एक न्यू लाइन आ गई इस वजह से यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था लेकिन उसने पहले एक न्यू लाइन प्रिंट की और फिर प्रिंट करना शुरू किया क्लियर है यार यस सर। ये रीड तो कर लिया अब हमें मैक्सिमम निकाल के दिखाएं ना इसमें से सर वो भी हो जाएगा बेहतरीन हो गया और उसको दूसरी फाइल में रखवा देना सही जिस तरह टॉपर्स की फाइल बनी हुई है ना इधर में यस सर इसके साथ उसके रोल नंबर और नेम भी साथ में हो जाएगा रोल नंबर और नाम तीनों चीजें रखवानी है पूरा रिक्वायरमेंट रखना है ठीक ओके सर चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अब सब कीजिएगा हो सकता है अगली क्लास में कोई ले लूं मैं ओके सर भाई पक्का पक्का मैं आप प्रिपेयर रहे हर वक्त बी प्रिपेयर तो सर क्विज हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा हो सकता है
सर हो सकता है या होगा? हो सकता है यार। तुम्हें तुम्हें क्या लेना चाहिए? तुम्हें ये लेना चाहिए कि होगा। ओके सर, होगा। तैयारी करके आए साहब। नहीं मैं कोड लिखूंगा। हो सकता है ये जो मैंने यही कह दूं बेसिक। हो सकता है जो मैंने भी आपको, हो सकता है यही जो सवाल है इसी का क्विज ले लूंगा। अच्छा हो सकता है थोड़ा सा बदल दूं इसे। ठीक हो गया ना? ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। जी यार वो करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा